और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के जवाब में मध्य प्रदेश बीजेपी का नया नारा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, बेटी को लड़ाओ नहीं पढ़ाओ, बेटी हूं पढ़ सकती हूं। वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश में दिया नया नारा, लड़की लड़ाने के लिए नहीं होती बल्कि पढ़ाने के लिए होती है। बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, कांग्रेस लड़ाने का नारा दे रही है। मध्य प्रदेश के हमारे आईटी विभाग ने, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना, जो विस्तारक योजना है, इस संगठन पर्व के अवसर पर आज एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम संगठन ऐप होगा और इसके माध्यम से हमारे जो बूथ विस्तारक योजना में 9000 हमारे शक्ति केंद्र हैं, जिनको हम ग्राम नगर केंद्र कहते हैं, वहाँ पर दो कार्यकर्ता जो एक बूथ की पंजी लेकर फिजिकली और एक कार्यकर्ता टेक्निकली हैंडेड, हमारा जो ऐप संचालक है वो भी विस्तारक की भूमिका है। तो एक ग्राम नगर केंद्र पर दो कार्यकर्ता, ऐसे 65,000 बूथों पर 20,000 कार्यकर्ता 10 दिन जाकर प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाने का हमारा जो संकल्प है, उस अभियान में 20 तारीख से जुटेंगे। ये बात हमने पहले ही कही है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारा सभी वरिष्ठ नेतृत्व 10 दिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश होगी। अपने बूथ का वेरिफिकेशन, बूथ का डिजिटाइजेशन और बूथ में कई प्रकार के और जो काम हैं, उन कामों को करने का एक आनंद का अनुभव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को होगा। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे पूरे कार्यकर्ता इस तैयारी और उत्साह के साथ मैदान में जुटे हैं कि प्रत्येक बूथ पर एक उत्सव जैसे वातावरण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गंभीरता से अपने काम में जुटेंगे। उसकी तैयारी हमारी लगभग पूरी हो गई और कार्यकर्ताओं ने आज प्रशिक्षण भी हमारे लगभग पूरे हो गए, ये काम की हमारी तैयारी शुरू हो गई है। और राजनीतिक इतिहास में मुझे ऐसा लगता है कि ठाकरे जी, जिन्होंने अपना जीवन लगाया, समय लगाकर अपने बूथ मजबूतीकरण, जिसको हमने सक्षम बूथ कहा है, सक्षम बूथ के अभियान में इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए सक्षम बूथ की जरूरत है, उस अभियान में भारतीय जनता पार्टी जुटी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम इस अभियान को सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश के अंदर एक इतिहास बनाने का काम करेंगे।